हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बागेश्वर धाम सरकार को गरियाने वाले प्रशांत बौद्ध ने लिखित तौर पर माफी मांग ली है। इस वक्त वो माफीनामा मेरे हाथ में है जिसमें साफ तौर पर ये बात लिखी गई है कि अब मैं हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करूंगा, बागेश्वर धाम सरकार पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं दाद देना चाहता हूं हिंदुस्तान के उन 125 करोड़ सनातनियों का जिन्होंने मेरे साथ एक स्वर में आवाज उठाई और प्रशांत बौद्ध को घुटने पे ला दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और सामने निकल के आई है कि हाल फिलहाल प्रशांत बौद्ध ने एक नया वीडियो बनाया है और उसमें वो कह रहा है कि हिंदू धर्म में जाति पात है, भेदभाव है, छुआछूत है, मैं पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। अरे भैया, तुम किस पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाते हो? आपने देखा होगा कि बीच में 2 महीने प्रशांत बौद्ध ने कोई वीडियो नहीं बनाया। आखिर प्रशांत बौद्ध ने 2 महीने वीडियो क्यों नहीं बनाया था? दरअसल PFI जैसी जो संस्थाएं हैं, लगता है कि प्रशांत बौद्ध को उन्होंने फंड भेजना बंद कर दिया था और इसी वजह से प्रशांत बौद्ध ने हिंदू धर्म को टारगेट करना छोड़ दिया था। लेकिन लगता है रुका हुआ किस्त प्रशांत बौद्ध को फिर से मिलने लगा है और यही कारण है कि वो वापस आकर आजकल एक नचनिया साथ लेके आया है, एक लड़की लेके घूम रहा है। खुद तो उल्टा सीधा बोल ही रहा है, उस लड़की से भी उल जुलूल बुलवा रहा है। संविधान की इस देश में कोई धज्जियां उड़ा रहा है तो प्रशांत बौद्ध जैसे लोग हैं। पता नहीं इन्हें हिंदू धर्म से क्या समस्या है, इन्हें हिंदुओं के संतों और साधुओं से क्या समस्या है। वो कहां मांग रहे हैं, कहां कथा कह रहे हैं, क्या अच्छा बोल रहे हैं, क्या खराब बोल रहे हैं, इसका सारा ठेका प्रशांत बौद्ध ने ले रखा है। थूक कर चाटना क्या होता है ये कोई प्रशांत बौद्ध से सीखे। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। ये प्रशांत बौद्ध मुंह देखो ना तो मैं क्या ही कहूं, वो मुंह ही एकदम कुकुरमुत्ता जैसा है जिस मुंह से कभी सही शब्द निकलेगा ही नहीं। प्रशांत बौद्ध जैसे ही वो लोग हैं जो हिंदुओं को जात पात में बांट रहे हैं। आज अगर हिंदुस्तान में धर्मांतरण का जड़ मजबूत हो रहा है तो उसका सीधा सीधा जिम्मेदार ये प्रशांत बौद्ध है। इसके प्रलोभन से, इसके बहकावे में आकर, इसके प्रोपेगेंडे में आकर बहुत सारे हिंदुओं ने हिंदू धर्म छोड़ा है। ये सॉफ्ट टारगेट करता है हमारे दलित भाइयों को, हमारे दलित समाज से जो हिंदू भाई आते हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उन्हें टारगेट करके धर्मांतरण कराने का ठेका इस वक्त प्रशांत बौद्ध ने ले रखा है। जो PFI काम नहीं कर पाई थी वो काम इस वक्त प्रशांत बौद्ध कर रहा है। मैं भारत की राष्ट्रवादी सरकार से गुहार लगाना चाहता हूं और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रशांत बौद्ध जैसे तथाकथित कुकुरमुत्तों को जितनी जल्दी जेल में डाल दिया जाए उतना बढ़िया होगा। ये उसका माफीनामा था 8 पेजेस का जब उसके ऊपर FIR हुए थे। FIR ना हो आगे, इससे बचने के लिए उसने माफीनामा भेजा था, लेकिन इस माफीनामे को भी उसने तार तार कर दिया है और फिर से उसके टारगेट पर हिंदू देवी देवता है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। अब मैं ऐसे तथाकथित जो है नचनिया के बारे में और ज्यादा क्या बोलूं। मैं उत्तर प्रदेश के राष्ट्रवादी सरकार, भारत के राष्ट्रवादी सरकार से ये गुहार लगाना चाहता हूं कि इन तथाकथित नचनियों को जितना जल्दी जेल में डाला जा सके उतना जल्दी डाल दिया जाए और इनके माफीनामों का कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे थूक कर चाटते रहेंगे और इन्हें चाटने दिया जाए। बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम आकाश सिंह है, आप लंकाधन.com देख रहे हैं।